आज मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ कि मुझे कितने दिन हो चुके हैं ब्रह्मचर्य पालन करते हुए और मुझे क्या क्या फायदे मिले हैं, मैं सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले दोस्तों, मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने शुरू के 30 दिन का फायदा आपको बताया था कि मुझे शुरू के 30 दिन में क्या बेनिफिट मिले थे। तो वो लगभग आज से 6 या 7 महीने पहले की बात है जब मैंने ब्रह्मचर्य शुरू किया था। शुरू तो मैं पिछले 1 साल से करता आ रहा हूं, लेकिन मैं बीच बीच में बहुत बार रिलैप्स हुआ हूं, जिसके कारण मैं पिछले 7 महीने से अच्छे से ब्रह्मचर्य का पालन कर पा रहा हूं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं, मैं फिर भी एक बार रिलैप्स हुआ हूँ बीच में, और ये बात है 11 या 12 मार्च की, जब मैं रिलैप्स हुआ था। लगभग मैं 4 या 5 महीने बाद रिलैप्स हुआ था, और दोस्तों मैंने फिर 13 मार्च से कंटिन्यू शुरू किया, और आज 20 जून को मुझे पूरे 100 डेज हो चुके हैं। मैंने आपको पहले एक वीडियो में बताया था कि मुझे अभी दिन याद नहीं है कि मुझे कितने दिन हुए हैं। वो पहले की बात है, जब मैंने पहले से शुरू किया था वो दिन मुझे याद नहीं थे। उसमें मैं इतना अनुमान लगा सकता था कि मुझे 4 या 5 महीने हुए थे। उसके बाद मैं रिलैप्स हुआ हूँ और 13 मार्च से मैंने कंटिन्यू शुरू किया है, और आज 20 जून को मुझे पूरे 100 डेज हो चुके हैं। लेकिन दोस्त, मैं रिलैप्स क्यों हुआ था, इसके पीछे एक बहुत बड़ी गलती रही मेरी, लेकिन मैंने उसके बाद उस गलती से सीखा कि मैं आगे से ये गलती कभी भी नहीं होने दूंगा। 13 मार्च के बाद मैंने जब कंटिन्यू शुरू किया, उसके बाद मैंने ऐसा कुछ होने नहीं दिया। अगर उस वक्त मैं रिलैप्स हुआ था, मैंने सोचा आगे से मैं ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करूंगा, अपनी गलती से सीखूंगा। आज से 6 या 7 महीने पहले की बात है, मुझे 46-47 डेज तक ही याद था, क्योंकि भाई मैं पहाड़ी इलाकों में रहता था तो काम बहुत होता है घर का, जिसके कारण मैं दिन गिनना भूल ही गया था। लेकिन मैं 4 या 5 महीने के बाद रिलैप्स हुआ था, तो आज 13 मार्च से आज तक 20 जून तक मुझे पूरे 100 डेज हो चुका है। तो भाई, फायदा तो बहुत कुछ मिला है, मैं बताने वाला हूँ क्या क्या फायदा मिला है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं ना गाइस, जो पहला बेनिफिट मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है कि पहले ना मैं बहुत शर्मीला था, मैं लोगों से बात ही नहीं करता था, मैं लोगों के सामने जाता ही नहीं था, ऐसी मैं शर्मिंदगी जैसे महसूस करता था, यार कैसे लोगों से बात करूं। और आज ना मेरा कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि लोग खुद ही बोलते हैं, यार तेरे को क्या हो चुका है। और दूसरा एक फायदा, सबसे बड़ा फायदा, मेरी पूरी बॉडी बदल चुकी है। दोस्तों मैं बता दूं, मैं एक्सरसाइज भी साथ में करता हूं। अगर आपको ब्रह्मचर्य का फायदा बहुत जल्दी देखना है तो भाई एक्सरसाइज करो। जब ना भाई मैं ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता था, तो मेरा जो वेट था वो था 65 या 66 केजी था, और 7 महीने के अंदर मेरा जो बॉडी वेट है वो 15 से ज्यादा केजी बढ़ चुका है। मेरा वेट जो है वो 75 केजी है इस टाइम। मैंने आज से 2 महीने पहले चेक किया था अपना वेट, मेरा उस टाइम 75 केजी था, और आज मेरा लगभग बढ़ चुका होगा भाई। पहले मैं बहुत दुबला पतला था यार, लोग बोलते तू इतना कमजोर क्यों है, ऐसा बहुत मेरी बॉडी में बहुत ऐसे नुकसान हो चुके थे भाई, पता नहीं क्या क्या लोग मजाक कर रहे थे, भाई तू ऐसा क्यों दिखता है ऐसा वैसा। लेकिन भाई पूरा बदल चुका हूँ मैं किसी दिन अपना फेस दिखाऊंगा आपको, और उस दिन मैं फेस वीडियो बनाऊंगा और कंटिन्यू बनाऊंगा मैं। फिर अभी मेरे पास ज्यादा लोग नहीं है देखने वाले, तो इसीलिए मैं अपना फेस नहीं दिखाता हूँ। और हाँ गाइज, मैं आपको बता दूं, मेरी जो वीडियो है ना वो आसपास गांव वाले लोग भी देखते हैं, मजाक करते हैं, भाई ये क्या वीडियो बना रहा है, ये मास्टरबेशन लगा के रखी है, इसको शर्म है कि नहीं है, कुछ ऐसा मजाक करते हैं मेरा। लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, बस मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए यार। दोस्तों जो तीसरा मुझे फायदा मिला है वो है, मेरा काम करने का हौसला बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। पहले मैं बहुत लेजीनेस फील करता था, मेरे घर वाले भी बोलते हैं यार मेरे को तू बहुत ज्यादा काम करता है आजकल, मैं बैठता ही नहीं, मैं रेस्ट करता ही नहीं हूँ भाई घर पर, मुझे काम चाहिए, मुझे ना इतनी मेरे अंदर इतनी ताकत है भाई, मैं हर दिन काम करता रहूं, मैं 24 घंटे काम करता रहूं, मेरा मन कहता है भाई। और मैं जो काम करता हूं ना उसमें मैं जल्दी नहीं थकता हूं। मैं ऐसा सोचता हूं ना, जब भी घर में ऐसा काम होता है मैं सोचता हूं यार ये काम और भी ज्यादा होता तो मजा आ जाता करने का। और जो चौथा मुझे सबसे बड़ा फायदा मिला है वो है, मैं 24 घंटे हैप्पी रहता हूं, खुश रहता हूं। पहले जब मैं ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर रहा था ना, तो मैंने आपको बताया था पहले वाली वीडियो में कि मैं बहुत डिप्रेशन में था, सुसाइड करने के विचार आ रहे थे मुझे भाई। और आज मैं इतना खुश हूं ना, कुछ भी हो जाए मेरी लाइफ में मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और दोस्तों जो पांचवा मुझे फायदा मिला है ना, इसके बारे में मैं क्या ही बताऊं, मेरे ना जो बात करने का तरीका है ना भाई, ये पूरा बदल चुका है। मैं जहां पर भी लोगों से बात करता हूं ना, तो मैं चुप ही नहीं रहता हूं। ये मैंने तब से फील किया है जब से मैंने ब्रह्मचर्य का पालन किया है। मैंने आपको पहले बोला कि पहले मैं बहुत शर्मीला था, तो आज ना भाई लोगों से इतनी बात करता हूँ और मेरा दिमाग भी, और लोग बोलते हैं भाई तुझे हो क्या गया है, लोग मुझे फिर भी यही कहते हैं कि भाई तू ये कर रहा है, कोई हरकत कर रहा है, ये क्या मास्टरबेशन छोड़ रहा है तू, क्यों छोड़ रहा है। और पता है कुछ मेरे दोस्त लोग, कुछ भाई लोग एक जगह इकट्ठा बैठे होते हैं तो मेरी वीडियो देखते हैं और हंसते हैं, यार ये क्या वीडियो बना रहा है, और मुझे नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं साले। खैर दोस्तों, ये वो लोग होते हैं जिनसे खुद नहीं होता है और फिर दूसरों को भी नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। अगर आपके आसपास भी कोई ऐसे लोग है ना भाई, उनको गोली मारो, ये साले जलने वाले होते हैं। आज मुझे 13 मार्च से 20 जून तक 100 डेज हो चुके हैं, और मैं आपको बीच बीच में बताता रहूंगा कि मुझे क्या क्या फायदे मिल रहे हैं। बीच बीच में वीडियो आती रहेगी, इसके बारे में आती रहेगी कि मुझे कितने डे हो चुके हैं और मुझे क्या क्या फायदा मिल रहा है। और भी बहुत फायदा मिला है यार, अगर मैं इस वीडियो में बताने लगूं तो ये बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं हफ्ते में एक बार बताता रहूंगा कि मुझे कितने दिन हो चुके हैं, क्या फायदा मिल रहा है। तो अपने बारे में वीडियो आती रहेगी।